अभी ये खबर कि SPCA की मजदूर यूनियंस कमिश्नरी निज़ाम की मुदाखलत के खिलाफ उठ खड़ी हुई। SPCA के मुलाजमीन कहते हैं अब वो डिप्टी कमिश्नर के दफातर में हाजिरी नहीं लगाएंगे। बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली, इस मामले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, SBC की तमाम यूनियंस जो है वो सरापा एहतजाज है। मामला ये सामने आया है कि DG SBCA ने हुक्मनामा जारी किया था जिसमें मुलाजमीन को हिदायत जारी की थी कि वो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल दफ्तर में हाजिरी जो है वो लगाएंगे। इस पर जो है यूनियंस ने रद्दमल दिया है, एहतजाजी मुजाहरा किया है। इनका कहना है कि SBC के मामला में कमिश्नर निज़ाम की मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनका मुतालबा था कि वजीर बल्दियात जो है इस मामला का नोटिस लें और जो SBC के मुलाजमीन हैं उनको SBCA के मामला तक ही जो है उनको वहाँ रहने दें और कमिश्नर निज़ाम की मुदाखलत रोकें। हाँ, मुजाहरा किया गया, तमाम यूनियंस लीडर मौजूद थे, सबका मुतालबा है कि SBCA के मामला में कमिश्नर निज़ाम के जो इंटरफेरेंस है वो रोकी जाए। जी।